मेरी चैनल। तो गाइज मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं आपकी संध्या। तो गाइज आज है धनतेरस और आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज मेरा जो है सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ, मेरा जो छोटा सा गणपति है वो, क्योंकि वो एक मेटल का गणपति है तो क्या है, बाहर रहते रहते उसका एक कलर जो है डस्टी कलर हो जाता है, तो उसे कैसे चमकाया जा सकता है उसका भी एक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी। वो वही चमकाने जा रही हूँ अभी, और उसके चमकाने के बाद गणपति जी को जहाँ पे फिलहाल मतलब आज के दो दिन का पूजा के लिए मैं रखूँगी, तो वहाँ का ही छोटा सा डेकोरेशन भी मैं करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उससे ज़्यादा बहुत सारा काम है ये कि आज घर का जो है पूरा लाइटिंग जो है टूनी लाइट वे वो सब लगने वाला है, क्योंकि जैसे बैलकनी का ये वाला जो टूनी लाइट ये पूजा के टाइम ही ख़राब हो चुका था, तो इसका टूनी लाइट भी मैं लेके आई हूँ, तो ये चेंज होगा। और बैलकनी का जो ये बाहर वाला जो टूनी लाइट है वो तो भाई ने पूजा के टाइम ही लगा दिया था, तो वो तो अभी है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। और घर के उस साइड मेन गेट यहाँ पर सब जगह पे जो है टूनी लाइट लगाने वाले हैं मैं और भाई मिलके। उसके बाद आज शाम को हम जाने वाले हैं एक चीज़ लेने जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, और मतलब उसका जो है एडवांस करके आ चुके हम लोग, लेकिन आज जो है बाकी पूरा पैसा दे के हम लोग लेंगे, तो मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ वो आज लेने जाएंगे, मतलब बहुत खुश हूँ। तो गाइज़ आज का दिन यानी कि धनतेरस का दिन मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ और क्या क्या करती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देख रहे हैं गणपति जी का जो है ये हाल है, थोड़ा धूल भी है उसके ऊपर। और तो अभी मैं कोलगेट और एक ब्रश के मदद से ये जो है कलर भी सब साफ कर लूँगी, और इसका जो चमक ये भी वापस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अच्छे से मैंने ये घिस लिया है, अब सिंदूर वाला दाग जो है उतना तो नहीं जाएगा, लेकिन बाकी जो है एकदम सिल्वर के जैसा चमक रहा है। तो गाइस देखिए मैंने ये जो है दो बार कोलगेट से अच्छे से साफ किया है, और कितना चमक रहा है, सिंदूर का दाग भी ऑलमोस्ट चला ही गया है। और इसे मैं चाहूँ तो और एक बार जो अच्छे से ब्रश करूँगी तो ये भी चला जाएगा। तो चलिए गाइस आप लोगों के घर में भी ऐसा कोई अगर मूर्ति है तो आप लोग भी जो है ऐसे ही साफ कर सकते हैं, उसको चमका सकते हैं। तो चलिए अभी लेके जाते हैं और पूजा का तैयारी करते हैं। तो भाई यहाँ पे टूनी लाइट लगा रहा है, जो बैलकनी वाला खराब हो गया था वही अभी लगा रहा है। ना परफेक्ट। तो गाइस गणेश जी के पीछे जो डेकोरेशन होने वाला है उसके लिए मैंने ये एक पीच बोर्ड लिया है, और उसे अभी तो फिलहाल ऐसे मार्क कर लिया है, अभी इसे कट करूँगी ऐसे करके। और घर के पास ही जो है पेड़ का मैंने आम का पेड़ है, तो वहीं से मैं पत्ता दे के अभी जो है इसका पूरा डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो चलिए तो गाइस मेरा ये बोर्ड जो है रेडी हो चुका है, कट कर लिया है मैंने, और पत्ता जो है वो भी धो के रखा है। अभी जो लगेगा स्टेपलर लगेगा, सीजर और ये सब तो अभी नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसे दो पत्ते को जो है मैं ऐसे करके लगाऊँ या फिर ऐसे करके लगाऊँ फोल्ड करके, मुझे लग रहा है फोल्ड करने के बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा ना हाँ। तो गाइस देखिए मैंने ऐसे दोनों साइड में जो है ऐसे बनाया है, और इस साइड का देखिए पत्ता जो है यहाँ पे निकला हुआ है, और यहाँ का जो है लेफ्ट साइड वाला निकला हुआ है, और ये ऑलमोस्ट मेरा तैयार होने को ही है। तो
चलिए पूरा तैयार करते हैं, फिर पूरा लुक जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। तो गाइस देखिए, बीच में पहले मैं बिठा दे रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये तीन पत्ता एक साथ लिया है और उसको पहले तीन को पहले एक साथ मैं जोड़ लेती हूँ ताकि लगाने में सुविधा हो। ये मेरा जो है डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ जो है मैंने ये फूल जो कि प्लास्टिक फूल है इसके पीछे जो है टूथपिक लगा के यहाँ पे सिंपल सा जो है ऐसे लगा दिया है ताकि एक फ्लावर का जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए रखते हैं वहाँ पे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो है मैंने रख दिया, और जो है ये वाला जो है प्लास्टिक का फूल वो नॉर्मल से ही मैंने जो है ऐसे सेट कर दिया। मेरा ये फ्लावर डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी जो है धनतेरस का जो शॉपिंग का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, तो 6:30 बज चुका है, तो इसलिए मैं अभी इसको जो है रेडी करके रख देती हूँ और जा रही हूँ धनतेरस का वो वाला लेने जो कि मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग लेने जाएंगे। वो लेके आने के बाद जो है पूजा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तो गाइस हम लोग आए हैं ढाक खरीदने क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बायना देके गए थे, अभी आज जो है फाइनल प्राइस देके मतलब फाइनल जो है पेमेंट करके हम लोग आज लेके जाएंगे। रेडी रहेगा चौदह तक तो गाइज ये रहा मेरा धनतेरस का गिफ्ट, मतलब धनतेरस में इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ही एक चीज़ है जिसके वजह से मेरा मैंने गणेश पूजा का जो लत है वो लगा था, मतलब गणेश पूजा का जो मन है वो हुआ था, मतलब ढाक मेरा बहुत ही दिल के करीब है। कौन फूल
तो गाइस धनतेरस पूजा के लिए जो फूल टूल सब लेना था हम लोगों ने ले लिया है और खरीदना भी हो चुका है हम लोगों का। अभी हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और ढाक के वहाँ पे तो हम लोग पैसा दे के ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी सिर्फ ढाक लेंगे और निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं थोड़े देर बाद। चलिए लोगों ने ढाक ले लिया है, अभी घर के तरफ जा रहे हैं। यहाँ से बजाते चले जाते मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मतलब ये एक साड़ी पहना है और मेकअप मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो था वही है, सिर्फ एक टिप ले लिया है और बाल जैसा था नॉर्मल वैसे ही रख दिया है। तो चलिए अभी पूजा का जो छोटा मोटा जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। और आज जो है मैं कोई भोग बना नहीं पाई तो इसलिए मिठाई जो है बाहर से लेके आई हूँ और मम्मी ने जो है गुड़ खोई ये जो है वो बनाई है तो वही दे रहे हैं। और तो चलिए पूजा को देख लेते हैं छोटा मोटा करके, मतलब टिपिकल पूजा नहीं क्योंकि मेरे पास गणपति के अलावा कोई मूर्ति है ही नहीं, तो इसलिए दूसरे जो भगवान जो है मैंने उसका सिर्फ प्रतीक जो है वही रख दिया है और सब कुछ ही मैं गणेश जी को दे दूंगी और सब अपना अपना जो है सब ले लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए आज का जो मैंने यहाँ का जो अरेंजमेंट किया है कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को बिठाया है और नारायण के जगह पे मैंने ये शंख रख दिया है और लक्ष्मी जी के जगह पे यहाँ पे धान और कोड़ी रख दिया है और कुबेर का तो है यही पैसा। और मम्मी ने ये खोई मुर्गी बनाई है तो ये रखा है, ये है क्या बोलते इसको पैरा और मिठाई लड्डू और संदेश ये सब जो है। और अभी जाके हम लोगों ने ये ख़रीदा है तो इसलिए इसको भी पूजा के जगह पे रखना होता है तो इसलिए यहाँ पे रख दिया है। और घंटा भी हम लोगों ने फिर से ख़रीदा है क्योंकि गणेश पूजा के टाइम वो जो था हम लोगों ने ख़रीदा था वो गिर के टूट गया था तो इसलिए फिर से ख़रीदना पड़ा। और ये रहा धूप और पूजा की ये थाली है, छोटा सा ही अरेंजमेंट किया है मैंने। और ये हलूद का गाठ और ये है दुर्बा और चार जन के लिए मतलब कुबेर लक्ष्मी जी गणेश जी और धनलक्ष्मी धनवंती जी का एक एक करके सब दिया जलेगा। और गणेश जी और सबके लिए ये फूल ये कपड़ा ये माला और लक्ष्मी जी का जो है ये एक पद्म।
इसमें जो है 1 रुपया रख दिया है, 1 कौड़ी रखा है और 1 फूल का मतलब जो पत्ता है वो रख दिया है। अभी ये जो प्लेट है इसमें हम लोग चावल रखे हैं, इसके ऊपर जो है पूरा बिठाएंगे। एक बार दिखा देती हूँ, तो क्योंकि ये मैं बाहर में रख के आऊँगी, एकदम ही घर के बाहर, तो इसलिए मैंने ये प्लेट रखने का सोचा है। तो अभी ऑयल दे देती हूँ। चलिए अभी इसे बाहर रख देते हैं और थोड़ी देर बाद आके हम लोग जो ये प्रसाद ले सकते हैं। तो गाइस यमदीप रख के हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लेने वाले हैं प्रसाद और उसके बाद ड्रेस चेंज करके हम लोग डिनर कर लेंगे, क्योंकि कल है भूत चतुर्दशी और उसके लिए भी हम लोगों को शाम को जो है 14 दिया जो है वो जलाना पड़ता है। और दिया का क्या है मैं सब कुछ आप लोगों को कल का व्लॉग में बता दूंगी। तो गाइस अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो किसी भी कारण से, तो जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस आज के वीडियो से मैं विदा लेती हूँ। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।